हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक बैग का ये डिज़ाइन। दोस्तों, इसको बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। इसमें हमने यहाँ पे एक जिप दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाई है पॉकेट। ऊपर हमारी सेंटर पॉइंट में जिप रहेगी और ये पूरा ओपन हो जाता है। इसका स्पेस भी आप देखोगे कितना प्यारा सा है। यहाँ पे इस तरीके से हमने पूरा स्पेस यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो बैग आपने देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला पीस लिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम साइज नाप लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 21 इंच का होगा, 21 इंच, और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 18 इंच का होगा, 18 इंच। तो दोस्तों, ये वाला पीस है जो कि हमने कुल्टिंग किया हुआ है। नीचे की साइड आप कोई भी अस्तर वाला फैब्रिक रख ले, और यहाँ पे हमने बीच में ली हुई है डबल सीट फोम की, क्योंकि आजकल थोड़ी पतली आने लगी है। थोड़ा हैवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे डबल ले ली है फोम वाली सीट को। और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे ये मेन फैब्रिक होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कटिंग करनी है, तो कटिंग करने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं और इस पर हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर लेंगे डबल करते हुए। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस निशान को आपस में इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इस साइड से हम तकरीबन तकरीबन 7.5 इंच लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम निशान इधर लगाएंगे 7.5 इंच, ये हमारा 7.5 इंच का निशान लग चुका है। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपने देखना है किस तरीके से मैं कटिंग करूंगा। सेम साइज हमारा इधर रहना चाहिए। तो ये देखिए पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे कट चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हमारी कटिंग हो जाएगी, अब हमें लगानी है यहाँ पे पॉकेट। तो पॉकेट लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक इस तरीके से पीस लेना है इस साइड में। इसका साइज हमारा इस एरिया से थोड़ा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लगानी है जिप। तो जिप में थोड़ा सा हमारा मार्जिन आ जाता है और थोड़ा सा दबाव में मार्जिन आ जाता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला पीस लिया है। इसका साइज ऐसे देखेंगे तो 9 इंच का होगा, 9 इंच, और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 11.5 से 12 इंच होगा। इसमें हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है, और यहाँ पे हम इस तरीके से गैप रखेंगे और इसमें जिप लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जिप ली है। इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे, इधर फोल्ड करके इधर से सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे रनर। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जिप लगा ली है इस तरीके से। तो एक तरीके से आप इसको मानो कि ये हमारी पॉकेट हो जाती है। यहाँ पे ये हम इस तरीके से अटैच करेंगे तो ये हमारी पॉकेट यहाँ पे रेडी हो जाती है। अब दोस्तों, हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको तैयार कैसे किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे, और सबसे पहले हम यहाँ पे ये ज्वाइंट करेंगे पॉकेट। पॉकेट कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे लगाने हैं दो हैंडल। तो उनके लिए हमने यहाँ पे ये पट्टी ली है वाइट कलर में। साइज है हमारा 17 इंच ऐसे होगा और 3 इंच ऐसे होगा। तो यहाँ पे इनको हम तैयार कर लेते हैं इस तरीके से फोल्ड करके दोनों साइड से, और फिर यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों यहाँ पे बेल्ट हो गई है तैयार दोनों साइड के लिए। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाएंगे इस तरीके से, और सेंटर पॉइंट बनाने के बाद यहाँ से गैप रखेंगे तकरीबन तकरीबन 4 इंच का, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर का गैप, और यहाँ पे इस पट्टी को इस तरीके से रखते हुए ऐसे यहाँ पे अटैच करेंगे, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड यहाँ पे अटैच करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड में हैंडल अटैच कर लिए हैं निशान लगा के, पूरा 4 इंच का हमने गैप रखा है दोनों साइड इस तरीके से। अब हमें आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, एक पट्टी चाहिए इतनी चौड़ी जिसमें हमें जिप भी लगानी होगी। तो यहाँ पे ये जैसे 1.25 इंच चौड़ाई है हमारी, और लंबाई हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ती हुई आएगी हमारी पट्टी, यहाँ से इस तरीके से जुड़ती हुई जाएगी, और यहाँ पे दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही यहाँ पे जुड़ेगी। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इतनी लंबाई वाली हमें यहाँ पे पट्टी चाहिएगी। तो यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे और यहाँ तक की हम लेंथ लेंगे। तो ये हमारी टोटल जो लेंथ बनेगी 21 इंच की चाहिए, 21 से 21.5 इंच की। थोड़ी ज़्यादा होगी तो बाद में आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें यहाँ पे एक पट्टी लेनी है इस तरीके की, तैयार करनी है जिप के साथ। देखिए एक साइड मैंने यहाँ पे अस्तर लगाया है, नॉर्मल तरीका होता है, और एक साइड मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लगाया है, और बीच सेंटर में दे दिए हैं हमने यहाँ पे जिप, और 2 रनर डाल दिए हैं। बस आपको ध्यान रखना है चौड़ाई जो है हमारी इतनी होनी चाहिए जितना हमने यहाँ पे ये कटिंग किया हुआ है बेस की, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे नीचे के लिए। यहाँ पे एक यहाँ जो सेंटर पॉइंट होता है जिप का हमारा, इस सेंटर पॉइंट में ये पट्टी रख देते हैं ऐसे। इससे क्या होता है, जिप की मजबूती भी हो जाती है और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर ली है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक पट्टी लेनी है, ये पट्टी हमारी 1.5 से 2 इंच चौड़ाई वाली होनी चाहिए। ये हम नीचे रखते हैं इस तरीके से फिनिशिंग के लिए, और यहाँ पे लगाते हैं सिलाई। इसके बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे, तो इससे हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और पूरी हमारी प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हमें चलना है यहाँ पे जोड़ते हुए, ये ऐसे यहाँ पे अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए जोड़ेंगे। जहाँ पे हमने घुमाना होता है वहां से 1/2 इंच पहले ही हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे, अब हम यहाँ पे ऐसे घुमा लेंगे तो बिल्कुल ये स्क्वायर घूम जाएगा फिनिशिंग के साथ में, और यहाँ पे इस तरीके से हमारी सिलाई आएगी। यहाँ पे भी हम हल्का पक्का करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे निशान लगा लेंगे और हल्का सा कट लगा लेंगे, जितनी गैप में हम सिलाई लगाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी अब हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे ऐसे, और ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो ये चीज होती है जो हमें समझनी है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, ना ही बड़ी होनी चाहिए और ना ही छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा पहले इसको रोक लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बार बार चेक करना होता है, 1-2 बार में क्या होता है कि पूरा प्रॉपर हमें पता लग जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये पूरा हमारा फिक्स आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगता है तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे इस तरीके से ये हम चेक करेंगे तो ये पट्टी आएगी हमारी यहाँ तक, ये निशान लगा लेंगे तो यहाँ तक हमें ये वाला जोड़ना है। दूसरी साइड भी हमारी यहाँ तक ही आ रही है, तो दोनों को हम बराबर इसी रूप में जोड़ लेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा था। और यहाँ पे भी एक हमने पट्टी ली है जिप के नीचे लगाने के लिए, जिप के सेंटर पॉइंट में। अब हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे दे देंगे फिनिशिंग। तो यहाँ पे अब हमने दे दी है फिनिशिंग,
ये देखिए यहाँ पे पट्टी लगा दी है और अब हम इस सिलाई को कर लेंगे पूरा। तो एक साइड हमने यहाँ पे इस तरीके से ये कंप्लीट सिलाई लगा ली है, देखिए। अब हमारा दूसरा भाग रह जाता है, तो इसमें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे तो हमें यहाँ से सिलाई करनी है और पूरी उतार देनी है। तो यहाँ पे भी हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड के यहाँ पे पार्ट ये जोड़ लिए हैं और आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे बैग बन जाता है। अब हमें यहाँ पे देनी है फिनिशिंग, तो एक एक करके यहाँ पे इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देंगे तो पूरी फिनिशिंग हमारी आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग दे देनी है सभी जगह पे, जहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पट्टी आपको लगा के दिखाई है। और इसके बाद सभी जगह पट्टी लगाने के बाद हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बैग को कर लिया है सीधा। एक साइड में हमारी यहाँ पे ये पॉकेट आएगी और ये सेंटर वाली जिप आएगी इस तरीके से। और पूरा बैग हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आपको बना करके दिखाया है और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग आई है पूरे बैग की। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी एक सुंदर सा प्यारा सा बैग बना सकते हो। छोटे मोटे जो भी कपड़े होते हैं उन्हीं को यूज करके आप इस तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।